जशपुर जिले के पत्थरगांव थाना क्षेत्र में महंगी बाइक चोरी करने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस ने जाल बिछाकर गिरोह के सरगना सहित 6 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों के पास से चोरी की 24 बाइक जब्त की है। जशपुर पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि इन आरोपियों को पकड़ने के लिए चोरी वाले अलग अलग स्थानों पर 3 महंगी बाइकों का चारा डालकर आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी मिली है। बदमाशों का गिरोह सरगुजा, जशपुर और रायगढ़ जिले में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम दिया करता था। इन बदमाशों के गिरोह तक पहुंचने के लिए उन्हीं की कार्य योजना का सहारा लिया गया, जिसके बाद सरगना सहित आधा दर्जन बच्चों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या किया कि जगह जगह पर कुछ स्पॉट को चूज किया और वहाँ पर सिविल ड्रेस में हमारी एक टीम लगी, साथ ही मुखबिरों को भी सक्रिय किया गया और मुखबिरों के द्वारा दी गई सूचना पर थाना प्रभारी और सिट्ठू DSP भानु प्रताप को सूचना मिली थी कि आज इस तरह के कुछ चोर शहर में देखे गए हैं। इस सूचना पर हमारी एक टीम सिविल ड्रेस में वहाँ पर बताया गया हुलिया के अनुसार जब गई तो उन लोगों ने पुलिस को देख के उनको भी थोड़ा शक हुआ उनके चाल ढाल से, तो वो लोग भागने लगे। भागने के बाद पुलिस की टीम ने लगातार दौड़ कर उनको घेराबंदी करके पकड़ा। पकड़ने पर 3 लोग हमारी पकड़ में आए, जिसमें कि मुख्य आरोपी बागे अक्रम, हसनैन और साहिबे अकीबन। इन तीनों को पूछताछ करने के लिए थाने में लाया गया और पुलिस ने जब इनको मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से जब पूछताछ किया तो इन लोगों ने अपनी चोरी इसके कागजात मांगे गए तो वो चोरी की थी। उसके आगे की पूछताछ में इन लोगों ने स्वीकार किया कि सोनू, जयपाल और एक तीसरा आरोपी है शाहिद, इन तीनों के पास हम लोग चोरी की और गाड़ियाँ बेचे हैं। इसके बाद पुलिस की टीम इन तीनों को भी वहाँ से जाके पकड़ी। इनके संबंधित ठिकाने जो सीतापुर के रहने वाले थे, सीतापुर थाना क्षेत्र के, वहाँ से जब इनको पकड़ा गया और इनसे जब पूछताछ किया गया तो अभी तक 24 मोटरसाइकिल पुलिस की टीम ने बरामद की है, जिसमें से 13 मोटरसाइकिल सोनू के पास था और 6 मोटरसाइकिल जयपाल के पास था और 5 जो मोटरसाइकिल जो शुरू में 3 आरोपी पकड़े गए थे इन्हीं के पास था। इसमें से जो 24 मोटरसाइकिल है उसमें से 6 मोटरसाइकिल हमारे अपने जिले की चोरी की घटनाएं से वो हैं, बाकी के अन्य मोटरसाइकिल आसपास के थाना क्षेत्र पड़ोसी जिले लहलुंगा, रायगढ़, अंबिकापुर आदि जगह से इन लोगों ने चोरी किया है। संबंधित थाने को भी खबर किया जा रहा है। इन आरोपियों के खिलाफ में संबंधित धाराओं में 379, 411, 413, 414 और 34 IPC के तहत मामला पंजीकृत कर दिया गया है और आज इनको रिमांड पर भेजा जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में SDOP हरीश पाटिल और विशेषकर मैं थाना प्रभारी भानु प्रताप की भूमिका को उल्लेख करना चाहूँगा कि मैं एक दिन आया था यहाँ थाने में, इन्हें निर्देशित किया था, इन्होंने एक विशेष कार्य योजना बनाई अपने टीम के साथ में और इन्होंने सफलता पाई है। एज ए पुलिस अधीक्षक इनको मैं एक डीओ लेटर भी दूंगा, साथ ही इनकी जो टीम, जो स्पेशल टीम हमारी लगी थी, उन सारे कर्मचारियों को नगद इनाम भी दिया जाएगा। क्या राशि है सर नगद इनाम का? वो अलग अलग रैंक के हिसाब से देते हैं, 500 से 200 जो हमारी प्रक्रिया है उस हिसाब से। अभी तो जितना था वो सारे टीम से बरामद कर लिया, लेकिन इनके बताए गए सूचना के आधार पर हमारी टीम जिले में और अन्य थाना क्षेत्र में काम कर रही है, जल्दी हम लोग एक और खुलासा करेंगे। कुछ ऐसा क्या खुलासा हुआ कि इन लोग कितने दिनों से, यानी कितने वर्षों से या कितने माह से? अभी ये पिछले 3-4 महीने से चोरी के वारदात में शामिल थे और इनमें से कुछ का पुराना रिकॉर्ड नहीं। देखिए क्या होता है कि जब हमारे पास सूचनाएं आती हैं तो तरह तरह के और भी सूचनाएं आती है, किसकी क्या भूमिका थी, कि पुलिस जो जिसको भी लाती है पूछताछ के दौरान उसकी भूमिका कानून के दायरे में क्या चोरी के मामले में संलिप्त है उसके आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। तो बाकी और भी काफ़ी लोग इसमें पूछताछ के लाए गए थे जिनकी भूमिका डायरेक्ट इसमें नहीं थी, उनको यहाँ से पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। जी।